सिपाही योगेंद्र सिंह दबंगई के बल पर ग्राम नटकुर में कटा डाले हरे भरे पेड़ और कर रहा है अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। कुछ दिन पहले कृष्णानगर थाने में तैनात सिपाही योगेंद्र सिंह ने ग्राम नटकुर थाना सरोजनी नगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम में विवादित भूमि खसरा संख्या 2122 पर अवैध तरह से कब्जा करके बिना किसी परमिशन के हरे भरे नीम व आम के पेड़ को कटवा डाला। यह बात जब ग्रामीणों को पता चली तो मौके पर ग्रामीणों ने पहुंचकर इसका विरोध किया तो सिपाही योगेंद्र सिंह ने पहले तो ग्रामीणों को धमकी देते हुए कहा कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो इतने मुकदमे करूंगा कि जेल में ही सड़ जाओगे। लेकिन जब ग्रामीणों की संख्या बढ़ते देख सिपाही योगेंद्र सिंह व उनके अन्य साथी वहां से भाग निकले। आइए देखते हैं इस पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। दादा क्या नाम है आपका? रामचंद्र। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये है कि इस नंबर में जो है तो पेड़ दर्ज है और इसका मुकदमा भी चल रहा है कमिश्नरी में और इनको दी गई थी जमीन कि जो 7 बिस्वा इनका पट्टा दिया जा रहा है वो जहाँ पेड़ ना हो वहाँ पे इनको काबिज किया जाए, अन्यथा जबरदस्ती यहाँ पेड़ की जगह पे काबिज करके गांव योगेंद्र सिपाही ने खरीदा है जबरदस्ती कह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये जो है पट्टे की भूमि थी जिसे जो है योगेंद्र सिपाही ने खरीदा है ना? खरीदा है बता तो ये पेड़ किसने कटवाए? पेड़ योगेंद्र सिपाही कह रहे हैं हमारे हैं और ये अपने आप उगे हैं। नहीं तो अपने आप उगे हैं तो इनको कटवाने की परमिशन उनको किसने दी? परमिशन भी नहीं कोई है और हम लोगों को हमारे लोगों को जो है पेड़ और सब चीज खड़े हैं बकायदा और 5 पीढ़ियों से काबिज है, 100 साल से पेड़ खड़े हैं इसमें और हमारा कमिश्नरी में मुकदमा भी चल रहा है उसका कि हमको भी इसमें पट्टा दिया जाए, हमारा क्यों काट दिया गया है और इन लोगों के पट्टा दिया गया तो जोतने बोने को पेड़ काटने खतोरी दिया गया है तो ये कि ये इस पे प्लाटिंग कर रहे हैं क्या? प्लाटिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती बाउंड्री करा लिए है। अच्छा। और हम लोगों पास ना जमीन है ना कुछ है, हम लोग इसी पेड़ से जो है अपना घर का गुजारा करते हैं पूरा परिवार समझो। अच्छा। क्या निदान चाहते हैं आप? हम निदान चाहते हैं कि हमारा पेड़ ना काटा जाए समझो और हमको भी जमीन दी जाए। ठीक। इसमें ठीक ठीक मतलब कहने का मतलब हरे भरे पेड़ ना काटे जाए, हम लोग फल लेते हैं इसी से बेच के अपना जीवन पार करते हैं। ठीक ना, जमीन हमारे पास लोगों के पास है, भूमिहीन है। ठीक 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 है। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार रावत। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है कि हमारी जो जमीन है ये पहले से हमारे बहुत पूर्वजों के 100-100 साल के पेड़ खड़े हैं और इसमें भूमाफिया लोग मतलब आवंटन में 1998 में एक योजना मायावती जी ने दिया था कि आवंटन जमीन गरीबों को दे दी जाए तो इसमें केवल परिवार वालों को ही लड़ा दिया गया आपस में। तो डीएम साहब ने फैसला किया था खुली बैठक में, भाई आपसी विवाद है, आप लोग 7-7 बिस्वा पर काफी जो ये फैसला मान्य हो गया था मगर जबरदस्ती महेंद्र सिंह और बजरंगी सिंह ने इसी तरह से बहला फुसला करके उनकी जमीन को हथिया लिया और हमारे हरे भरे पेड़ों को भी काट रहे हैं जबकि ये हुआ था कि पेड़ स्थायी रूप से खड़े रहेंगे, हम लोग इसी से अपना जीवन यापन करते हैं, हम लोगों पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है। अच्छा ये जो पेड़ कटे पड़े ये किसने कटवाए यहाँ? महेंद्र सिंह ने, योगेंद्र। ये योगेंद्र सिंह कौन है? ये पुलिस वाला है, तैनात रहता है, दबंगई करता है। अच्छा तो क्या उसने यहाँ पे जमीन ली थी? हाँ जमीन लिया है लेकिन उसने जो है पट्टे की जमीन ले गए से ली, अब यही तो हमको पता नहीं कैसे ले लिया है। जैसा कि दस्तावेजों में तो ये जमीन सिर्फ कृषि के लिए दर्ज होगी ना आप लोगों की? यही तो यहाँ पर खेल हुआ है, दबंगई के जरिए से हर मतलब पट्टे की जमीन हर एक डीलर लोग कब्जा कर लिया दबंगई के जरिए से। तो योगेंद्र सिंह ने जमीन सिर्फ यहीं ली गया आपके अगल बगल की? अगल बगल भी और है जो विवादित है जमीन? हाँ विवादित है। अच्छा तो क्या निदान चाहते हैं आप? निदान हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पेड़ खड़े रहे, जमीन जिसकी है वो अपना खेती करे जहाँ करने योग्य, नहीं तो अपना हर साल पेड़ लगाए उसी से अपना भी जीवन यापन करें। तो क्या ये पेड़ गलत तरीके से काटे गए? बिल्कुल गलत तरीके से, हमारे लोग पूर्वज जैसे किसान है एक नाम के लिए एक पेड़ लगाता है कि हमारे बाबा का लगाया हुआ है, दादा का लगाया हुआ है, जैसे कोई आदमी अपनी नेम प्लेट लगा लेता है, इसलिए किसान जो है अपना पेड़ लगाता है कि हम इतने साल का पेड़ हो गया, इतने साल का नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मतलब इसकी मर्यादा रखी जाए।
इन पेड़ों को बरकरार रखा जाए ताकि हमारे पूर्वजों की मर्यादा बनी रहे। जमीन मुकदमा ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? हिमा प्यारा। क्या समस्या है ये? यह समस्या है कि ये पेड़ हमारा रहे, हम राण बेवा मेहरिया तो जबरदस्ती कटा ली है। किन लोगों ने कटा लिया ये पेड़? का नाम है उनका? पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले। हाँ। तो ये जमीन क्या उनकी है या आप लोगों? नहीं, उनकी नहीं। उनकी नहीं है? हाँ, इस बार हम लोग केस लड़ रहे हैं बहुत दिन से। अच्छा, इसका जो केस चल रहा है? हाँ, पुराना पेड़ है। कौन कौन से पेड़ कटाया इन लोगों ने? एक नींबी का है, आम, आम का पेड़। तो क्या ये आप लोगों की जानकारी में था कि बिना बताए कटा दी? जानकारी नहीं रहा। अच्छा, तो इस बात की जानकारी आप लोगों को कब मिली, जब पेड़ कट गए उसके बाद? हाँ, हमको मिली है 7 बजे। अच्छा, रात में, रात का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं इस पे? हम कार्रवाई चाहिए थे, हमारा पेड़ क्यों कटा ले, हम राण बेवा मेहरिया। अच्छा, तो इसका कुछ निर्णय हो चाहिए। अच्छा, सरकार द्वारा इसका निर्णय होना चाहिए, जो हरे पेड़ पेड़ काटे गए। हाँ ठीक। अपना नाम बताए? राम किशोर हमारा नाम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ग्राम समाज की जमीन थी 2122 नंबर, खसरा नंबर है, उसमें बजरंगी सिंह और उर्फ योगेंद्र सिंह सिपाही जो हैं वो जमीन खरीदे थे और इसमें जबरदस्ती 7 बिसवा आवंटन हुआ था कुछ लोगों का, तो उनसे खरीदे हैं। उसके बाद ये लगभग 12 बिसवा जमीन बाउंड्री कर लिया। हम लोगों का कहना है कि इसमें पेड़ भी खड़े थे तो पेड़ भी कटा लिया बगैर बताए। तो हम लोगों को जब जानकारी हुई तो योगेंद्र सिंह मौजूद थे, हम लोग जब आए तो योगेंद्र सिंह कह रहे थे कि आप लोग जाइए, नहीं हम लोगों को, हम सब लोग तुम लोगों को मिलकर जेल भेज देंगे। अच्छा, कहने का मतलब कि वो अपनी जो है दिखा रहे थे, वर्दी भी थे कल। तो ये जो जमीन है क्या इस पे जबरदस्ती उन लोगों ने कब्जा किया है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि 7 बिसवा ही उनका नंबर था जिसने भी ये जमीन बेची है। जी, 7 बिसवा था। और प्रेजेंट टाइम लगभग 12 बिसवा के करीब होगा। तो ये पेड़ जब काटे गए तो क्या इसकी कोई जानकारी थी आप लोगों को? जानकारी हम लोगों को नहीं थी, हम लोग जब खेत आए शाम को तब पता चला योगेंद्र सिंह मौजूद थे। ये कौन है योगेंद्र सिंह? योगेंद्र सिंह सिपाही थे पहले यहाँ असरोज नगर थाने में, अब तो है नहीं शायद, दूसरे थाने में है। तो वो यहाँ पे खड़े होकर पेड़ कटा रहे थे, क्या उन्होंने ये जमीन खरीदी? पहले बजरंगी सिंह ने खरीदा था, उसके बाद पता चला कि योगेंद्र सिंह ने लिया है। लेकिन ये तो पट्टे की भूमि थी जिस? जी, पट्टे की भूमि है। तो क्या ये बेचने के लिए जो है आप लोगों को आवंटित की गई थी? नहीं, बेचने के लिए नहीं, मकान बनाने के लिए आवंटित की गई थी कि मकान बनाइए, कृषि कीजिए। तब भी जो लोग, जिस लोगों का पट्टा हुआ था वो लोग बेच दिया है, उसके बाद जो खरीदा है वो अपना प्लाटिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसमें कुछ लोगों का पट्टा इस पे हुआ था तो वो साइड में जमीन उनको दी गई थी, ये जबरदस्ती गुंडाई करके मेन रोड पे ले लिया है और लगभग 12 बिसवा के आसपास यहाँ जमीन भी कब्जा कर लिया। हम लोग ये चाहते हैं कि ये पट्टा खारिज कर दिया जाए क्योंकि ये दबंग प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं और सिपाही लोग हैं, हम लोगों को धमका भी रहे हैं कि अगर जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो तुम लोगों को जेल भेज देंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये पट्टा खारिज कर दिया जाएगा, गरीबों को दी जाए मकान बनाने के लिए, यही हम लोग चाहते हैं। और ये चाहते हैं क्योंकि 12 बिसवा लगभग 12 बिसवा होगा इन लोगों को जमीन कब्जा कर लिया, मौके पर इनको पट्टा आवंटन हुआ था 7 बिसवा तो इनको 7 बिसवा ही दी जाए, ज्यादा न दी जाए। ठीक ठीक, मतलब इन्होंने जबरदस्ती जो कब्जा कर लिया उसको छुड़वाया जाए और इसमें पेड़ भी जबरदस्ती कटवा लिया, एक है आम का पेड़, एक है नीम का पेड़। अच्छा ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है हमारे पेड़ कल काटना है और हमको कल धमकी देत रहा है, मार कर लो, झगड़ा कर लो, क्या कहते हैं, मार डाला, सारे हम 5 जने हैं। कौन लोगों ने पेड़ काटे आपके? पेड़ काटे नहीं है, योगेंद्र। अच्छा, योगेंद्र सिंह ने आपके पेड़ काटे? हाँ। और क्या कहा? वो तो हमको मिले नहीं रहे, वो लेबर लोग रहा, वो ही धमकी दे रहे। अच्छा, कि मतलब एक सिपाही अगर पेड़ कटवा रहे तो तुम्हारे ऊपर जो है मतलब कार्रवाई करेंगे, है ना, अगर तुम बजरंगी के लड़का रहे। अच्छा, वही कहा था हमारे काटे कहने। अच्छा, कि मार डरो काट डरो जो करे खो तो कई लड़ी लिया, हम 5-6-7 जने हैं। तो ये जमीन किसकी है? यह जमीन लोधे के है। अच्छा अच्छा, और पेड़ हमारे हैं,
अच्छा पेड़ आप लोगों का। अच्छा तो क्या इसकी कोई परमिशन उन लोगों ने या आप लोगों से बताया था कि हम आपके पेड़ कटा रहे हैं, हरे भरे पेड़ कटा रहे हैं? काल हम मौजूद रहन के पेड़ तुमते को बेची से को काटे कहीं से पेड़ काट डाल रहे हो हमारे। हम मौके पर रहे हैं, हम ते कहीं की हलो हलो करत रहे, कह रहे फोन की करत रहे, कह रहे कोई समस्या हो हमका बताओ, हम देखो वही आ रहे हैं। अच्छा अब बार करते जहाँ देखे लगे हुए बार बार करते रहे। अच्छा फोन वही धमकी देते रहे कि सर कौन मारे वाला कौन काटे वाला, हम सारे कहन खुद है हम तो पागल बने हैं, पागल क्या वो बनाए हैं तो हम या कहीं जोर जोर कर रही हूँ कुछ न हो। अच्छा हाँ तो क्या निदान चाहती हैं आप? हमको चाहना है हमको जमीन मिले, हमारे पेड़ खड़े ना, हमको जमीन चाहिए। ठीक ठीक ठीक। और केस लड़े रहे ना भाई का। अच्छा इसका मतलब इस जमीन का जो केस भी चल रहा है उसके बावजूद भी अनैतिक तरीके से जो है सारे काम कर लिए। हाँ हमको जमीन चाहिए, हमको सब जमीन को। ठीक हमारी पेशी मुकदमा चल रहा है। ठीक ठीक। मतलब जब तक न्याय ना हो जाए तब जब तक न्याय ना हो जाए तब लगे कोई भी काम ना करे, कोई काम ना करे। ठीक ठीक। एक मैंने पुलिस सबका मरवा कटवा डरी है और ठाकुर मैंने तुम बड़े हो तो हमका मरवा डरी हो, मेरे लड़का मना हम पास ही आए। ठीक ठीक। इसके बाद हमने बात की ग्राम प्रधान से, आइए देखते हैं उनका इन सब मामलों पर क्या कुछ कहना है। आप परिचय दे अपना। भैया मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ ग्राम सभा नटकुर का, पवन कुमार सिंह नाम है मेरा। यहाँ की ये क्या समस्या है जो पेड़ वेड़ कटे पड़े हैं जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं? हाँ अभी अभी इन लोगों ने हमको सूचना दी है कि इन लोग के पूर्वजों ने यहाँ पे पेड़ लगाए थे और ये जमीन इन लोग के कब्जे में थी, तो यहाँ किसी भूमाफिया या जो भी जिसने भी ये जमीन कथित रूप से बोल रहा है कि हमने लिया है उसने बिना बताए इन लोग के जबरदस्ती पेड़ काट दिए हैं, जबकि ये पेड़ इनके पूर्वजों ने लगाए थे और पेड़ इन्हीं के कब्जे में थे। अगर किसी ने जमीन ली भी है तो वो लीगल तरीके से अपनी नाप जोख करवा ले और लीगल तरीके से लेखपाल को बुला के नाप करवा के अपनी जमीन जहाँ पे लेखपाल चिन्हित करे वहाँ पे ले ले, ऐसे जबरदस्ती पेड़ काटना तो बहुत ही गलत है। इन लोग को न्याय मिलना चाहिए और इन लोग को इनके जमीन मिलना चाहिए और जिसने पेड़ काटे हैं उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। हम बच्चे जौन कहे की भंगी बने भाई था ओ, अरे तुम यार बजरंगी बेची नहीं उनका जरूर बता सकते नहीं है, उनके तुरंत कटवा रहे हैं बेची नहीं है। इमा भैया का जो पेपर निकालते यही निकाले कि ये नंबर एक गांव समाज था और